अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ मेरी YouTube फैमिली वाले ईमान सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और बहुत खुश भी होंगे। आज फिर हम लोगों ने होटल चेंज किया है। अब जो 10 दिन इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे। मन करना ये यहाँ पर LED लगी हुई है कि हमारे सबसे पहले हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमारे बैग्स पहले पहुँचते हैं। ये हम सबके बैग्स हैं और ये है 8 बेड का रूम है। सामने विंडो है और ये यहाँ पे एक अलमारी भी दी हुई है। हमें पहले रूम मिला था वहाँ पे टेबल्स वगैरह भी नहीं थे और कोई कपड़े वगैरह रखने के लिए अलमारी वगैरह भी नहीं थी। यहाँ पे टेबल्स वगैरह भी की सहूलत भी है और ये रूम भी ज़्यादा उसकी निस्बत साफ सुथरा है। AC भी इसका अच्छा है। वहाँ का AC भी इतना काम नहीं कर रहा था। ये यहाँ की है विंडो। यहाँ पर हो रही है तैयारी। अम्मा की तबीयत सही नहीं है तो अम्मा तो जा रही नहीं है। बाकी ये सब रेडी है। मरियम जल्दी करो, मरियम देर आपकी वजह से हो रही है। अब सब रेडी है। नूरफातिमा आपके ग्लासेस, ईमान के ग्लासेस किसके पास हैं? जल्दी से दो। ये मैं रस्ते से जाए नमाज उठा देती हूँ। चलो जल्दी से आओ, रूम लॉक करना है। ईमान तो जिन्हें जहाँ जाना होता है ना, ईमान ना नाराज होके खड़ी हो जाती है। चलो भाई चलो, जल्दी चलो। जा रहे हैं हरम और ये हमारी पहली हाजिरी होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद नबवी की खूबसूरत फिजाओं में। अल्लाह ताला सबको ये हसीन जो मंजिल है मस्जिद नबवी का, वो सबको देखना नसीब फरमाए। इतनी खूबसूरत है मस्जिद नबवी के जिसकी जितनी तारीफ करो उतना कम है। इस वक्त हम सब लोग गुम्बद खजरा के साए में बैठे हुए हैं। बहुत हसीन मंजर है, शाम का ये सुहाना मंजर। ईमान दिखाओ आपका कौन सा है। कौन सा था? 4:26। इधर आ जाओ, पता है नहीं वो अपना। आ जाओ उस तरफ है अपना। लिफ्ट के सामने ही था वो, दूसरी लिफ्ट थी ना। हाँ वो तो निकलते ही था अपना, वो उस लिफ्ट में था निकलते ही। आप अपने उसी लिफ्ट से आते हैं। यही था चिकन मटन और बीफ रूम। हम दूसरी लिफ्ट से आए ना तो हम रूम अभी मुश्किल। अब ये
उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे आइंदा किसी और व्लॉग के साथ, अच्छे व्लॉग के साथ। तो अपना ख्याल रखें, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।